أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون अब ये सारे इंशाल्लाह समझ गए कि अब सिर्फ तकरार के सिवा कुछ नहीं है। वही आयतें जो है पढ़ रहा है, वही आयतों का तर्जमा कर रहा है, ये वायद के सिवा भी कुछ नहीं रहा। बात मौलाना तुक्की होती है कि जो बात समझ में आ जाए उसको तुम बयान करो। हमने बार बार ये कहा कि बाबा इसलिए पुराने करीम सारी जिंदगी हमने उलमाए देवबंदे बिलेरियों की खुल करके मुखालफत की और पूरी ताकत से मुखालफत की, मुनाजे किए, किताबें लिखी, कुरान पाक की तफसीरें लिखी के खिलाफ कि बाबा अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ही फायदा देता है। हमने सारी जिंदगी यही पढ़ा यही पढ़ाया और उसी के ऊपर तो वो कुरान की आयतें चस्पान हो रही है जो पहले मान रहे हैं। बाबा ये कौन इसका इनकार कर रहा है? बात है एक इबारत की जिसके लिए उलमा ने यह कहा है कि बाबा इसको खवास के मतलब को समझते हैं, बस बात सिर्फ इतनी है। और आप वही बार बार लौटाते हैं कि ये बताओ कि ये कैसा फायदा देते, यही बताओ कि मुर्दा है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि मुर्दे फायदा नहीं देते, इफादा नहीं देते, इफादा नहीं देते, उनको पता ही नहीं है। हम कह रहे हैं, इकरार कर रहे हैं, वही बात लौटा लौटा करके हमारे गले को डाल रहा है। खुदा के बंदे लोगों को गुमराह मत करो कि भाई उलमा गोबर इस तरह से है, ये लोगों को गुमराह मत करो, ऐसी बात मत करो। तब हम कहते खुदा के वास्ते हमारे पास लोग आए, हम इनको समझाएं, ये आवाम नाज बिचारों को पता नहीं है उलमा गोबर क्या है। जब हम बार बार आते हैं मुरादों से परवाह नहीं करते ताकि इन लोगों को पता चल जाए, ये लोगों को आप यही समझाते हैं भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये इस तरीके से लोगों को गुमराह मत करो। हम बार बार कहते हैं कि भाई इसके मतलब को खवास समझते हैं, वो है इस्तफादा का पहुंचना और चीजें पहुंचाना और इफादा और चीजें इस्तफादा और चीजें। आप इन बात को समझते नहीं है और वो भी है तफक्कुर का। और तफक्कुर के लिए अल्लाह ने फरमाया है कि आप अल्लाह के नबी ने फरमाया भाई कि आप कब्रों के ज्यादा पर जाओ, वो किसके लिए फरमाया? तफक्कुर के लिए फरमाया, पूजने के लिए नहीं फरमाया।
प्यारे पैगंबर का हुक्म है तफक्कुर के लिए, वहां जाकर के फिक्र कर लो। ये वो फिक्र की बात है, फायदा हासिल करना ये फिक्र का है कि तुम जाओ इन बुजुर्गाने जीने, अल्लाह ने इनको अजमत क्यों बख्शी, अल्लाह ताला ने उनके कब्रों के क्यों नूर से मुनव्वर क्यों किया है, अल्लाह ने इनको कब्रों का उनको फायदा कब्रों में क्यों पहुंचा है, ये जाकर के तसव्वुर कर लो, इस जहां का जाकर के फिक्र कर लो, फिर तुम वही काम करो जो अल्लाह के नेक बंदे ने किए। ये है तफक्कुर की बात। तुम सब पहले खुश हो, ये शर्म आ रहा कि आप खवास में से नहीं, तुम्हें इस चीजों का मतलब पता नहीं है। मैंने कहा कि अल्लाह फरमाते कहता कुरान से जवाब दो, हमने कहा कि इसका तुमने मतलब ही नहीं समझा है, अगर इसका तुम मतलब तुम समझते तो तुम इतराज ही हम पर नहीं करते, इसका मतलब जो है वो और है, तुम कहते हो अभी भी बार बार क्या कहते हो मैं फायदा पहुंचाते। हमने कहा कि बाबा नहीं नहीं, उनको पता नहीं है, फायदा नहीं पहुंचाते, फायदा नहीं है, ये बार बार कहा और फिर वही बात लोगों को चरेज बनाने के लिए। यही तरीका है तुम्हारा कि तुम लोगों को हमारे कहते मुफ्ती है ये है फुलाने है, इस किस्म की बातें करते हो, मगर खुदारा अल्लाह से डरो, ऐसी बातें तुम्हें हमारे जिम्मे पर मत लगा। हम कुरान हदीस को समझते हैं, हम इसकी हकीकत को समझते हैं, हम इसको जानते हैं कि कुरान हदीस में क्या है, इन इबादतों का मतलब क्या है। आप समझते नहीं हो, लोगों को खामखा देकर बुलाते हो, ये ऐसे है ये ऐसे है, ये कब्रों को पूछते हैं, ये ऐसा करते हैं। हम कहते हैं कि जब इफादा है तो जरूरी है कि वो जाने, हम कहते हैं इफादा नहीं है, नहीं है, यहाँ इफादे का लफ्ज़ नहीं है। तब मैंने कहा कि इल्म वाला जानता है कि इफादे और इस्तफादे के दरमियान में फर्क है। जब हम बार बार ये शर्माते हैं कि बाबा आप खवास में से होते और बाकी तुम जो बार बार करते हो कि भाई देखो कि भाई ये जो इस इबारत का मतलब जो अवाम सारे ये किताब अवाम के लिए लिखी हुई है तो यही जो अवाम के लिए लिखी हुई है तो ये बात है कि बाबा इस बात को ये जो खास बात है कुरान करीम का मैं मिसालें आपको देता हूँ, कई मिसालें पे सामने पढ़ता हूँ। एक जगह पर कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं फक्तुल मुशरिकीन का सारे मुश्किलों को कतर कर दो, एक जगह पर अल्लाह फरमाते इन अजमन मुश्किल सजा रखा जब, एक जगह फरमाते इसको कतर कर, दूसरी जगह फरमाते नहीं कर, अल्लाह फरमाते हैं कि इनको कतर करो, प्यारे पैगंबर फरमाते औरत को कतल मत करो, इनको कतल मत करो, फर्क है सबके दरमियान में। नबी अल्लाह ने फरमाया जो जो अशरा, अगर चार महीने दस दिन औरत के दस गुजारे, एक है कुरान करीम के यहां यह कहती है उलातुल अजल हमल, उन्होंने इनकी वजाहतें की है किसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। हजरत इब्न अब्बास के पास छह आदमी आकर इतराज करता है इस आयत पर इतराज है, तीसरी आयत प्यारे पैगंबर का पर पुराने पाक की तीसरी आयत ये है कि औरत जो है एक साल हुआ मतान वसीयत मतान उन्होंने इन भक्तों को समझते हैं किसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जब उन्होंने उलमा विचारों ने कहा है कि बाबा इफादा नहीं है, अब बार बार हम कहते इफादा नहीं है, फायदा वो नहीं पहुंचाते, हमारे हालात को नहीं जानते हैं, आप लोगों के सामने बार बार कहते हो कि देखो ये कह रहे हैं ये फायदा पहुंचाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि ये मुर्दा है नहीं सुनते, अल्लाह फरमाते हैं उनको पता नहीं है, कोई कौन कहता है, हमने कहा पता है या उलमा जो बने कोई ऐसी दावा किया तो उनको पत्रकार में दिखाओ, ये साफ लिखता है जिसमें जो जो हम तुमने सामने जो पेश किए किताब उसमें साफ लिखता है इनमें गैर पुली नहीं, इनमें गैर पुली खास है खुदावंदी है। उलमा जो बन तो विचारों ने खुल करके बातें की है, बाकी ये है अगर तुम किसी चीज के मतलब को नहीं समझते हो फिर अगर उलमा जो बन को पढ़कर आप सोचते हो तुम्हारी मर्जी है। हम कहते हैं कि पूरा कुरान सच्चा, प्यारे पैगंबर की अहादीस सब सच्ची, पुराने करीम को समझना चाहिए, उनके महमल को समझना चाहिए, उनके मतालिब को समझना चाहिए। आपको तब मैंने कहा